हाय गाइस, तो अभी देखो शाम हो गया है मस्त। तो मैं अब जा रहा हूँ पार्क के लिए। अभी तो शायद 7:30 में ख़त्म होगा। तो मैं अभी जा रही हूँ पार्क देखने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो मैं अभी उठ गया हूँ। तो चलो आज मैं खाना बनाऊँगा। दीदी का तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मैं खाना बनाऊँगा। तो देखो दीदी अभी सोई है, बहुत उसको बहुत पेन हो रहा है उसको बॉडी में। तो चलो, कल रात को थोड़ा देर से सोई थी तो सुबह सुबह उठ नहीं पाए। तो चलो अभी मैं खाना बनाती हूँ, आपको देख देख के मैं खाना बना लूँगा। तो चलो मैं खाना बनाती हूँ। आज बनेगा दाल चावल, तो आज मैं बना दूंगा खाना, क्योंकि दीदी तो बन नहीं पाएगी। तो चलो मैं बनाती हूँ खाना, और खाने बनाने के बाद आपसे आपको दिखाऊंगा और आपसे मिलूंगा। चलो तो गाइस, चावल अब रेडी हो गया है, और दाल में बस तड़का लगेगा, ये बॉईल हो रहा है प्रेशर में। और बाहर आपको दिखाती हूँ, देखो दीदी भी उठ गई है देखो। और बाहर देखो गाइस, वाह ब्यूटीफुल, हर जगह फॉग ही फॉग, कोहरा कोहरा, वाह। देखो गाइस, ये हमारा रूम, ये हमारा टंकी। तो देखो गाइस, मस्त लग रहा है ना? कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। वहां पे टॉप पे है मंदिर, लेकिन दिख नहीं रहा है, जूम करके दिखाता हूँ। रुको, ये रहा, तो चलो दाल में तड़का लगाते हैं और उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं। तो भाई चलो दाल में तड़का लगाएंगे और थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे, फेस हो जाएंगे, नहा धो के पूरा रेडी हो जाएंगे। आज तो ठंड लग रहा है, किसी ना आऊंगा, वाह टेंशन, बिग टेंशन। तो चलो दीदी जब भी उठ गई है, और देखते हैं क्या होता है। चलो हाय गाइस, तो मैं अब नहा धो के पूरा रेडी हो गया हूँ, खाना भी हो गया। तो आज दाल चावल हो रहा था, तो उसी उसी को खा लिया। तो दीदी भी सुबह ऑफिस चली गई। तो देखो गाइस, अभी दिन के 2 बज रहे हैं, लेकिन फॉग ही फॉग है, कोहरा ही कोहरा। आपको दिखाती हूँ, देखो मौसम, ये देखो। धूप अभी तक नहीं आया देखो। और ये हमारी पेड़, साग का पेड़, ये हमारी गली। हम कितने ऊपर रहते हैं देखो, इतना ऊपर, थर्ड फ्लोर में रहते हैं हम। तो देखो गाइस, धूप ही धूप, अभी तक धूप नहीं है, थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है। तो चलो चल के थोड़ा रेस्ट करते हैं। आज तो ना रेस्ट नहीं करेंगे, आज वीडियो शॉर्ट्स एडिटिंग करेंगे, शॉर्ट्स वीडियो, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो चैनल पे आना जरूरी है। तो शॉर्ट्स भी एडिट करते हैं, और आज भी स्टोरी टेलिंग सुनने के लिए जाएंगे हम। तो चलो मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। हाय गाइस, तो अभी देखो शाम हो गया है मस्त। तो मैं अब जा रहा हूँ पार्क के लिए। अभी तो शायद 7:30 में ख़त्म होगा। तो मैं अभी जा रही हूँ पार्क देखने के लिए। तो मैं चाहता तो दोपहर में चला जाता, लेकिन आज थोड़ा तबीयत थोड़ा ख़राब है, पेट थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो इसलिए मुझे घर पे ही रेस्ट करना पड़ा। और हाँ, मैं रेस्ट करते वक्त भी काम नहीं छोड़ा, मैंने शॉर्ट्स वीडियो सब एडिटिंग कर लिए। तो अब चलते हैं, मैं जा रहा हूँ पार्क, और आप मेरे साथ जाइए। तो मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, तो पेट बहुत गड़बड़ था आज यार, तबीयत खराब, थोड़ा बाहर घूमता हूँ ना, इसीलिए थोड़ा ख़राब हो गया। तो चलो चलते हैं पार्क, आपको दिखाता हूँ कितने दूर गया स्टोरी टेलिंग। तो गाइज, मैं पार्क में पहुंच गया हूँ। तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली खाली लग रहा है। हाँ देखो, बिल्कुल शांत सा प्लेस। तो अभी स्टोरी टेलिंग चल रहा है, तो चलो उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। तो गाइज, देरी नहीं करनी है, तो चलो चलते चलते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, अभी कहाँ से आएंगे। You would have to go and fetch them.
and still stand in the kitchen and cook. So by the end of the day, Togo would be very, very tired. And she did not like this at all. So the husband would try and help there and there, but she'll still be tired. So every night, Togo would look up into the sky and ask the Creator, just one child only, please, please, I'm begging you. But nothing happened. So Togo again would wake up every morning, go and feed the chickens, and she would have to clean the house. She would have to send the livestock to go and feed and also go back and fetch. She would also have to go and work in the fields and still come back and cook. And she'll be very tired at the end of the day. So one day, Togo woke up in the morning, and again she did all the chores, and she went all the way to the fields, and she started working in the fields. Kikete! Every night, only at 12 midnight. What time? And Togo did exactly that. She plowed and plowed, and she planted the seeds, and as she was singing, she was begging again. आउ से कौन कहीं बैटरी पड़ के लगाई लो हेलो करा हेलो गौधो पच्चल ना अरे तुम में कहीं की ऐसी बैटरी पड़ी चो कुकुरड़ी से तू कौन ही ला कौन करी भी मु इतने वर्षों धारी की मास्टर रो घरे थिली चोरों आसीले तक धारु थिली केम्प्टी बुकी की केम्प्टी बुकु थिली घर जगी की रहूली समस्ते कुआडे घर बंद करी बुली पड़ाउले घर जगी की रहूली आबे मु पारुनी मो मास्टर मते तो गाइस स्टोरीटेलिंग अभी चल रहा है तो मैं जल्दी आ गया थोड़ा सा तो आज जो आए थे वो साउथ अफ्रीका से आए थे और मस्त स्टोरी तो मस्त है तो चलो चलते हैं घर और घर जाके आपसे मिलेंगे आज 7:30 भी हो गए अभी ख़त्म होने वाला है स्टोरी बस तो चलो रूम में मिलते हैं आपको तो गाइज मैं अब आके घर पहुंच गया हूँ दीदी देखो आ गई है तो आज हमारा पानी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम समझ नहीं आ रहा है तो देखेंगे आज क्या करके खाएंगे कुछ होता नहीं तो पानी नहीं आ रहा है चलो गाइज देखते हैं क्या होता है पानी कितने देर में आता है देखते हैं भूख बहुत लग रही है खाने को भी कुछ नहीं है तो देखेंगे दीदी तो अभी वो नमकीन खा रहा है नमकीन तो गाइस हमारा खाना अभी रेडी हो गया है तो पानी अभी तक नहीं आया है तो आई थिंक इससे ही काम चलाना पड़ेगा तो दीदी ने आज गोभी की सब्जी बना दिया और सुबह का चावल था और दाल भी था तो उसी से काम चला लेंगे और सुबह देखेंगे पानी तो अभी तक नहीं आई है तो वेट करते हैं क्या होता है तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मिलते हैं एक नए ब्लॉग में थैंक यू सो मच वॉचिंग बाय